पूछा है हम भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं और हम मन की गुलामी से मुक्त होकर कैसे मन को अपना गुलाम बना सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो भय है क्या? आपकी जिंदगी के जितने भय हैं वो सारे भय आपके मन की यानी विचारों की उपज है। आपके सारे भय आपके विचार। आप कुछ दुखद कल्पना करते हैं, पेनफुल इमेजिनेशन कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वही आपके लिए भय बन जाता है। और वो पेनफुल इमेजिनेशन कौन करता है? आपका मन, आपका माइंड। तो अगर वो मन या माइंड जो पेनफुल इमेजिनेशन करके दुखी होता है, भयभीत होता है, वो एक फिल्म बना रहा है आपका मन। कैसी फिल्म बना रहा है? दुखांत, ट्रेजडी, हॉरर की फिल्म बना रहा है, इसलिए भय पैदा हो रहा है। वही मन सुखद फिल्म बना सकता है, कॉमेडी बना सकता है, और जब कॉमेडी बनाएगा, सुखद फिल्म बनाएगा तो आप आनंदित हो सकते हैं। लेकिन वो मन कॉमेडी बनाए ये आपके अधिकार में नहीं है, सुखद फिल्म बनाए ये आपके अधिकार में नहीं, वो वही बनाता है जो बनाना चाहता है। तो कुल मिलाकर प्रश्न यही है कि मन पर अगर नियंत्रण हो जाए, हम मन की गुलामी से मुक्त हो जाएं, तो वास्तव में सभी भयों से मुक्त हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि मन की गुलामी से मुक्त कैसे हो सकते हैं? आपको लगता है क्या आप मन के गुलाम हैं या नहीं? कितने लोगों को लगता है कि वे मन के गुलाम हैं? हाथ उठाएं। ओके, जिनको नहीं लगता है, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उसमें से अधिकांश लोग, मतलब 99% लोग जो सोचते हैं कि वे मन के गुलाम नहीं हैं, मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ, सिर्फ वे ऐसा सोचते हैं। वास्तव में सारे लोग मन की गुलामी करते हैं। अगर मन के गुलाम ना होते आप, तो मन है क्या? मन आपके विचारों का समूह ही तो है। अगर आप मन के गुलाम ना होते तो आपके भीतर वो क्षमता आ जाती कि जब आप चाहते तो मन का प्रयोग करते, यानी विचारों का प्रयोग करते, जब आप चाहते तो उसका प्रयोग नहीं करते। अगर आप मन के गुलाम ना होते तो आप कहते कि आप मुझे एक घंटे कोई विचार नहीं करना है, किसी विचार को अपने भीतर नहीं आने देना है, तो आप मन के मालिक होते तो किसी विचार की औकात नहीं थी कि तुम्हारे भीतर घुस जाता। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं एक घंटे विचारों को आदेश देता हूँ, मेरे भीतर नहीं घुसेंगे? रेयरली। मुझे खुशी है एक दो लोग यहाँ पर हैं जो काफ़ी कुछ इस दिशा में सफल है, लेकिन 99.9% लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो एक घंटे तो बहुत बड़ी बात है, एक मिनट के लिए भी विचारों का आना नहीं रोक सकते। इसका मतलब सारी मनुष्यता विचारों की गुलाम है और आप भी विचारों के गुलाम हैं। आप विचारों को अगर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करने की क्षमता पा जाएं, तब आप अपने मालिक हो गए। तब विचार बहुत बड़ी शक्ति है, ये मन आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। सिर्फ ये होना चाहिए कि जब आप चाहें तब इसका उपयोग करें, सोचने में, विचारने में, नीतियों को बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में, संसार के सौंदर्य को बढ़ाने में विचार शक्ति का प्रयोग करें। लेकिन जब इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप कह दें साइलेंट और ये चुप होके बैठ जाए। लेकिन ये तो जो इतना शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है आपका, वो आपके कब्जे में नहीं। जैसे एक राइफल है, वो आपके लिए उपयोगी है, आपकी जान बचा सकती है, आपको तरह तरह के संकटों से मुक्त कर सकती है, आत्मरक्षा का माध्यम बन सकती है। लेकिन आपने राइफल ले लिया और जब आपने चाहा तब राइफल का उपयोग करा, तब तो राइफल आपके लिए उपयोगी है। लेकिन राइफल आपने लिया और वो स्टार्ट हो गई और लगातार स्टार्ट है, चल रही है, रुक नहीं रही है, अब वो चलती जा रही है,
अब आप संभाले हो, अब जरूरत नहीं है राइफल चलाने की, लेकिन आप रोक नहीं सकते, चलती है जा रही है, तो क्या होगा उस राइफल, वो राइफल आपके लिए क्या हो जाएगी, शत्रु हो जाएगी, आपकी शक्ति को पी लेगी, नष्ट कर देगी, आप उसको संभालने में ही व्यस्त रहेंगे। वो राइफल चल गई है, अब रुकती नहीं, आपका मन भी ऐसी राइफल हो गया है जो 24 घंटे चलता ही रहता है। जब आप सो रहे होते हो तब भी वो तड़ 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 फायरिंग करता रहता है। वो जो सपने देखते हो आप, वे सारे सपने सिर्फ आपके विचार। सोते समय जब आप विचार करते हो तो उसे कहते हैं सपना, जागते समय जो विचार चलते हैं उनको आप कहते हो विचार, जागते समय जो आप सोचते हो उसको कहते हैं विचार, सोते समय जो आप सोचते हो उसको कहते हैं सपना। तो ये 24 घंटे आपका मस्तिष्क सक्रिय रहता है। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि सिर्फ 1 से 3 मिनट का समय ऐसा होता है आपकी नींद में, सिर्फ 1 से 3 मिनट का, किसी का 1 मिनट, किसी का 2 मिनट, किसी का 3 मिनट, जब वो विचारों से शून्य हो जाता है। अन्यथा ये विचार चलते ही रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगा के देखे गए, विचार चलते ही रहते हैं आपके चित्त में और कुछ आपको पता नहीं चल पाता क्योंकि आप मूर्छित होते हैं निद्रा में। कुछ विचार जब कम नींद रहती है उसमें जो उठते हैं वो सपनों के रूप में आपको याद रहते हैं, अधिकांश आप भूल जाते हैं। तो 1 से 3 मिनट का समय वही समय है जिसमें आपके विचार नहीं चलते हैं, और उसके कारण ही उस समय आप कहाँ होते हैं अभी मेडिकल साइंस इसको नहीं पता कर पाई। इसी को अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि अब आप परमात्मा की गोद में हो जाते हैं उस समय, यानी जब विचार शून्य हो जाते हैं तो आप में और अस्तित्व में एक हो जाते हैं अस्तित्व के साथ। वो अस्तित्व के साथ एक होने से ही आपको ऊर्जा मिल जाती है जो आपको 24 घंटे जिंदा रखती है, सक्रिय रखती है, स्वस्थ रखती है, वही 1 से 3 मिनट का समय। और ध्यान के माध्यम से उसी 1 से 3 मिनट के समय को लंबाया जा सकता है, और जब वो समय लंबा करने में आप समर्थ हो जाते हैं तो समझो ध्यान के माध्यम से जो विचार शून्यता की स्थिति आपकी आती है उस समय भी आप अस्तित्व की गोद में या कहें परमात्मा के साथ एक होते हैं। वही ऊर्जा आपको मिलती है जिसके कारण आपकी प्रज्ञा, आपकी मेधा, आपका आनंद ये अनंत गुना बढ़ने लगता है। तो एक ही उपाय है मन को, मन का मालिक बनने में। मन का मालिक बनना ही वास्तव में अध्यात्म का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य। अध्यात्म का सार है मन का मालिक हो जाना, मन का स्वामी हो जाना। ये जिन्हें हम कहते हैं स्वामी राम नारायण, स्वामी गंगादेव, स्वामी ब्रह्मदेव, ये सारे स्वामी, जो स्वामी लगाने की परंपरा थी उसके पीछे यही राज था कि वो अपने मन के स्वामी हो गए, मालिक हो गए। अब वो मन का उनके ऊपर शासन नहीं है, उनका शासन मन के ऊपर। लेकिन ऐसे स्वामी तो मिलते नहीं, सब नकली स्वामी घूम रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके भीतर ये क्षमता पैदा हो, और इस क्षमता को पैदा करने का एक ही उपाय है, उस उपाय का नाम है संजीवनी क्रिया, संजीवनी क्रिया, संजीवनी क्रिया। आप इसका अभ्यास शुरू करें और शेष 1 घंटे संजीवनी क्रिया का अभ्यास करें, 23 घंटे साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू।